हेलो फ्रेंड्स, वाणिज्य जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक नए फिल्म का रिव्यू जो कि आज ही सिनेमा घर में रिलीज हुई है। तो भैया इस फिल्म का नाम है स्ट्रीट डांसर 3D, यानी कि इस फिल्म के बारे में यह बात कही जा रही थी कि यह फिल्म ABCD का सिक्वल है। तो भैया ये फिल्म उस फिल्म का सिक्वल नहीं है, यानी कि ये फिल्म थोड़ी डिफरेंट है और उस सिक्वल से हटकर बनाई गई, यानी कि इस फिल्म का कनेक्शन ABCD से किसी भी एंगल से नहीं है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि इस फिल्म का कनेक्शन जो है वो ABCD से नहीं रहा, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा रेमो डिसूजा को कि पहले आप डायरेक्शन का, राइटिंग का, स्क्रीन प्ले का ABCD सीख लो भैया, उसके बाद आप फिल्म बनाने जाओ। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक इस फिल्म को जरूर बोलना चाहूंगा एक बात कि भैया इस फिल्म को अगर कोई शुरू से 15 मिनट अगर देख लेगा ना भाई, तो पूरी फिल्म की कहानी जो है उसे समझ में आ जाएगी। यानी कि इस फिल्म के लिए कोई स्पॉइलर देने की जरूरत नहीं है, सिनेमाघर में लोग खुद ब खुद इस फिल्म का प्रिडिक्शन जो है वो सीन बाय सीन लगाना चालू कर देंगे कि भैया अगला सीन कौन सा आने वाला है। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको अपने बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी कि जब आप बचपन में छुपन छुपैया, उसके बाद बोले ना कि धप्पा धप्पा खेलते थे ना भैया, तो वहां पे ना कोई एक कमजोर खिलाड़ी होता था आपके खेल में, जिसको उस वक्त जो मजबूत खिलाड़ी होते थे ना उसको दूध भाप दे देते, मतलब कि इसको यार कोई चोर नहीं बना सकता, ये अगर किसी को छू देगा तो वो चोर बन जाएगा क्योंकि इसकी सारी गलतियां माफ है, यानी कि इसका दूध भात है। मतलब कि जो रेमो डिसूजा है मेरी नजर में इस फिल्म के लिए वो दूध भात है। यानी कि अगर आप गैंग्स ऑफ वासीपुर का वो प्रमुख डायलॉग, यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध हुआ था, वो अगर इस फिल्म के लिए यूज करोगे कि तुमसे ना हो पाएगा, तो भैया रेमो डिसूजा आपसे डायरेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात तो मैंने आज समझ लिया। मुझे लग रहा था भैया कि रेस 3 जब इन्होंने बनाई थी और ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो उस वक्त मुझे लगा भैया कि हो सकता है सलमान खान ने एक्टिंग अच्छी नहीं की, कहानी ठीक से डेवलप नहीं हुआ, या फिर सलमान खान के इन्फ्लुएंस से हो सकता है कि रेमो डिसूजा एक अच्छी कहानी नहीं लिख पाया और इसी वजह से रेस 3 फ्लॉप हो गई। लेकिन आज जब मैंने स्ट्रीट डांसर 3D को देखा तो भैया मैंने एक ही बात समझा भैया कि गलती से गलती नहीं होती है, गलती से गलती ही होती है। यानी कि इस फिल्म की गलती यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर खुद रेमो डिसूजा हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो उन लोगों से पहले ही माफी मांग लेता हूं जो कि रेमो डिसूजा के कोरियोग्राफ को काफी पसंद करते हैं, उनको डांस को बहुत पसंद करते हैं, उनके टैलेंट की बहुत प्रशंसा करते हैं, तो उन लोगों से मैं क्षमा चाहना चाहूंगा क्योंकि भैया मैं इस फिल्म का जो रिव्यू देने जा रहा हूं शायद आप लोगों को ये रिव्यू पसंद नहीं आया, क्योंकि भैया मुझे भी रेमो डिसूजा जो है वो एज ए कोरियोग्राफर मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि मैं उनके इस फिल्म में कोरियोग्राफ किए गए गानों की मैं खूब प्रशंसा करूंगा कि वाकई में इस फिल्म में जो गाने हैं, जो डांस है, वो बहुत ही जबरदस्त है। उसका जो फिल्मांकन भी है, जो डायरेक्शन भी है, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि रेमो डिसूजा इस मामले में पूरी तरीके से परफेक्ट है। लेकिन उसके बाद कहानी की अगर हम लोग बात करें तो रेमो डिसूजा को भैया कहानी नहीं लिखना चाहिए, ना ही उनको स्क्रीन प्ले लिखना चाहिए और ना ही किसी फिल्म का डायरेक्शन करना चाहिए। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद तो यह बात आप आराम से कह सकते हो। तो भैया पहले ही मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूं कि अगर आप रेमो के डांस को पसंद करते हो तो बॉस इस फिल्म में डायरेक्शन की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, उनकी डांस की मैं प्रशंसा कर रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे मुंह से अगर कुछ रेमो जी के लिए निकल रहा हो तो। अब उसके बाद भैया हम लोग आ जाते हैं इस फिल्म की कहानी पर। तो भैया कहानी की बात शुरू करना चाहूंगा क्योंकि देखिए इस एक्टिंग को मैं एकदम लास्ट में बोलूंगा, क्योंकि एक्टिंग किसने कैसी की है उस पर हम लोग चर्चा लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोग कहानी की बात कर लें, क्योंकि कहानी अगर मजबूत होगी तभी ना कोई एक्टिंग करेगा, सीन कुछ मजबूत होगा तभी ना कोई बेहतरीन डायलॉग बोलेगा। मतलब कि फिल्म में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से किसी की एक्टिंग की तारीफ की जाए, उस पर थोड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा यार कि आज पूरे विश्व में जो फसाद का जड़ जो है ना वो हम इंडियन है, यानी कि हमारे इंडिया में एक कम्युनिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड को त्रस्त करके रखा हुआ है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो घुसपैठ हो रहा है ना वो हम इंडियंस की वजह से हो रहा है, और हम इंडियंस जो हैं वो दूसरे कंट्री में जाकर उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं और हम वहां पे बहुत ही गरीबों की जिंदगी जीते हैं, मतलब हम इंडियंस, और हमारी मदद कौन करता है, हमारा पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान, जो कि बहुत ही सभ्य और सुलझा हुआ कंट्री है जहां पे लोगों का दिल मोम की तरह है, मतलब किसी का दर्द वो सह नहीं सकते, मतलब पिघल जाते हैं बॉस, मतलब कि उनके अंदर ममता कूट कूट के भरी है। इसी बात को समझाने की कोशिश किए हैं भैया इस फिल्म में कौन, तो भैया
रेमो सर, यानी कि रेमो सर ने बताया भैया कि हमारा जो देश है, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो हमसे बहुत अच्छे हैं, वो हमसे अच्छे से मिलते हैं, हम उनसे व्यवहार अच्छा नहीं करते। यानी कि इस फिल्म की कहानी को जब वो लिख रहे थे तो उनके दिमाग में आया भैया कि मैं वो टॉपिक क्यों ना चुनूं जो कि हमेशा से हिट रहा है बॉलीवुड में, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। या कि आप याद करो भैया कि जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है तो लोग टेलीविजन को छोड़ते नहीं है, तो भैया जब सिनेमा घर में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा तो भैया सिनेमा घर को कैसे लोग छोड़ेंगे, यानी कि वहां भी लोग बैठ कर देखेंगे कि क्या हमारा इंडियन खिलाड़ी जीतेगा या फिर पाकिस्तान की जो ये अबला नारी है यानी कि भैया श्रद्धा कपूर वो जीतेंगी। मतलब कि पूरे फिल्म में ये ड्रामा कूट कूट कर भरा गया। यानी कि जब वो इस फिल्म को लिख रहे थे तो वहां पर बहुत सारे जो उनके क्रिटिक्स होंगे ना, जो उनको सुझाव दे रहे होंगे किसको, तो भैया रेमो डिसूजा को, कि सर कुछ ऐसा बनाते हैं एक लड़का वरुण धवन टाइप का, वो इंडियन, जो कि मतलब कि उसको दुनिया की समझ नहीं है, बहुत ही मनचला है, बहुत ही सरफिड़ा है, वो किसी को भाव नहीं देता है, उसके अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं, वो हमेशा सबको बहुत ही नीचे नजर से देखता है और अपने आप को सुपीरियर मानता है। और वहीं पर एक लड़की है श्रद्धा टाइप, जो कि पाकिस्तान से आई हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है, नेचर की है, बहुत ही कोमल दिल की है, उसका दिल जो है मोम की तरह है, वो किसी की भी बुराई नहीं करती और कोई भी आदमी अगर उसके सामने कुछ ऊंचा बनने की कोशिश करता है तो वो उसको जमीन दिखाती है, क्योंकि भैया पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो कूट कूट के भरा है। मतलब कि कहानी को इसी तरीके से पुरोया गया। फिर बात आ गई यहां पे कि भैया अगर हम इंडियन हीरो को बुरा दिखाएंगे तो इंडियंस को कहीं बुरा ना लग जाए, तो भाई उसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर बनाओ जो कि इंडिया के लोगों को पसंद आए, तो वो कैरेक्टर कौन होगा। तो भैया जब कहानी जब लिख रहे थे रेमो डिसूजा तो उसमें उनको ध्यान आया भैया कि प्रभु सर को हम लोग तो ले ही रहे फिल्म में, उनको हम एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जो कि सेंट्रिक होंगे और एक ट्रू इंडियन होंगे, जिनके अंदर में सबके लिए प्यार है, सबके लिए मतलब कि उनके लिए ये जो वर्ल्ड है भैया वो स्वर्ग से कम नहीं है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इंसानों की तरह रहनी चाहिए। मतलब कि एक इंडियन ऐसा है कि जिसको हम दिखाकर बोल सकते हैं कि सारे इंडियन वरुण धवन की तरह नहीं होते हैं, यानी कि एक इंडियन प्रभु देवा की तरह भी होता है जो कि सबको बराबर मानता है और वही इन दोनों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलेगा। तो भैया ये हो गई कहानी पूरी किसकी, तो भैया स्ट्रीट डांसर 3D की। मतलब इस फिल्म को आप देखोगे तो यही फिल्म आप देखने जा रहे हो और वहां पर फिर पता चलेगा भैया कि हम इंडियंस ने काफी घुसपैठ कर रखा है यूके में, जिससे यूके के लोग काफी परेशान है और जो ये घुसपैठिए हैं वो वहां पे बहुत ही गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स में है और उनकी मदद करेगा कौन, तो भैया पाकिस्तान जो कि मदद कर रहा है। तो भाई कहानी कुछ ऐसी लिखी है इन्होंने, यार मुझे तो मतलब अजीब सा लगा यार कि हम इंडियंस इतने मतलब बुरे हैं क्या, मतलब सारी समस्या का जो जड़ है वो क्या इंडिया है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे यही लगा। तो भैया फिल्म में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं जिसकी तारीफ करूं, मतलब नुक्स अगर मैं निकालना चालू करूं ना भैया तो कम नहीं पड़ेगा, मतलब इतने सारे नुक्स हैं इस फिल्म में, यानी कि आप जितनी भी बुराई करो इस फिल्म के लिए एक शब्द भी आपके मुंह से अच्छा नहीं निकल सकता है। यानी कि भैया इस फिल्म को किस सोच में बैठकर भैया लिखे थे रेमो डिसूजा, ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं इस फिल्म के गानों की तो वाकई में गाने बहुत ही बेहतरीन है और ये जोनल जो है भैया वो रेमो डिसूजा का है, यानी कि रेमो डिसूजा बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर है और उनका जो कोरियोग्राफ किया हुआ गाना जो होता है वो बेहतरीन होता है, इसमें कोई शक सुबह नहीं है, यानी कि कोई ना शक है मुझे ना ही कोई सुबह है, यानी कि वो बॉलीवुड के जाने माने, क्या मैं बोलूं यार, बॉलीवुड के नंबर वन में बोल सकता हूं यार कोरियोग्राफर है, यानी कि वो अगर मन से किसी गाने को कोरियोग्राफ कर दे तो वो गाना हिट होना ही है। यानी कि बॉस इस फिल्म के जो गाने हैं वो टोटली सुपर डुपर हिट है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यानी कि भैया जो डांस के दीवाने हैं, जो गानों को पसंद करते हैं, जो रेमो डिसूजा के कोरियोग्राफ को पसंद करते हैं, जिनको मूव्स सीखने हैं तो वो इस फिल्म को देखने जा सकते हैं, उनको मजा आएगा गाने देखने में, लेकिन कहानी उनको पसंद आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर मैं नॉर्मल पीपल की बात करूं तो भैया कहानी तो वो यूं ही लपेट लेंगे जिस तरीके से मैं लपेट रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते भैया एक्टिंग वाले सेक्शन में, तो भैया एक्टिंग वाले सेक्शन में अगर कहानी ढंग की होगी तभी ना कोई एक्टिंग करेगा मेरे भाई। डांस सिर्फ अगर पूरी फिल्म को चलाना था तो हर 5 मिनट के बाद में एक डांस आना चाहिए था, एक गाना आना चाहिए था, उसके हिसाब से लोग पूरी फिल्म को डांस 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 बोलते हैं। मतलब कि इस फिल्म का स्ट्रीट डांसर 3D नहीं, डांस डांस 3D रखना चाहिए था नाम। तो ऐसा तो नहीं है भैया कि फिल्म में कहानी होनी चाहिए तो भैया कहानी मिसिंग है, इसी वजह से एक्टिंग मुझे किसी की पसंद नहीं आया, चाहे मैं बात करूं श्रद्धा कपूर की, चाहे मैं बात करूं वरुण धवन की, चाहे मैं बात करूं नोरा फतेही की। मतलब कि जितने भी कलाकार थे
मतलब कि प्रॉपर जिनको बोलते हैं ना कि एक्टर जो थे, इन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं था। हाँ, डांसरों के लिए स्पेस था इस फिल्म में, जो बाकी के डांसर थे जो कि इस फिल्म में एक्टर के तौर पर लिए गए हैं उनके लिए स्पेस था, वो लोग डांस अच्छा कर रहे थे। लेकिन तो भाई ये तो हो गई बात एक्टिंग वाले सेक्शन की, और उसके बाद डायरेक्शन की मैं क्या तारीफ करूं यार, इसकी तारीफ तो हम लोग रेस 3 से करते आ रहे हैं। तो भैया रेस 3 का ये अपग्रेड वर्जन है, मैं यही बात बोलूंगा, यानी कि उन्होंने अपने डायरेक्शन से पूरी कोशिश की थी स्क्रू ड्राइवर लेके लोगों के दिमाग में पेंच लगा लगा के भैया कि आप लोग इमोशनल हो जाओ, लेकिन इमोशनल होने वाली कोई बात इस फिल्म में है ही नहीं। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो भैया इस फिल्म को मैं 1.5 स्टार दूंगा, यानी कि 1.5 स्टार के लायक ये फिल्म है। यानी कि इस फिल्म ने मेरा जो पूरा दिमाग है ना वो हैंग कर दिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो वो आपको क्या लगता है, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है या फिर रेस 3 से भी बहुत बेहतरीन है, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।